दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप सभी देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज मैंने लिख रखा है कि निराशा। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और मिलने का मजा भी आएगा मेरे दोस्त। यह सुनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जितने भी अभ्यर्थी लगातार डीएलएड एडमिशन 2024 की प्रक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फाइनली ये सिर्फ उनके लिए था। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, तमाम तरह की भ्रामक चीजें आपके बीच में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फैलाई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि 2024 का सत्र शून्य होगा, कोई कह रहा है कि 2030 के बाद डीएलएड का अस्तित्व ही समाप्त होगा। ऐसी ऐसी चीजें आपके बीच में आ रही। कोई कह रहा है कि अब की बार 12वीं के बाद, यानी जो लोग इंटरमीडिएट क्वालिफाई किए हैं, अब की बार उनका एडमिशन होगा, है ना। तो ये सब सारी चीजें आपके बीच में आ रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? आज की इस वीडियो के माध्यम से आप हर एक चीजों के सच्चाई के बारे में हम आपके बीच में बताने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, यहां मैंने संपर्क माध्यम लिख रखा है। अगर आपको संपर्क करना है तो मैं सबसे पहले, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आपके लिए इंस्टाग्राम भी है, सभी चीजों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। भैया, अगर आपको ज्वाइन करना है या आपको फॉलो वगैरह करना है तो कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में मुझे कोई शौक नहीं है कि आप जबरदस्ती मैं आपसे कहूं कि आप मुझे फॉलो करें, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको अगर जानकारी चाहिए तो भाई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आप कहीं से भी मैसेज कर सकते हैं। लोग व्हाट्सएप का ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा आप यूज इंस्टाग्राम का ही करें, ठीक है। उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हर कोई इंस्टाग्राम चलाता है यार, आप एडमिशन के लिए आप फॉलो कर लीजिए, बाद में चलकर अनफॉलो कर दीजिएगा, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, बट आपका काम होना चाहिए किसी भी तरह से, ठीक है। तो बहरहाल देखिए, यहां लिखा है निराशा। आज आपके 31 जुलाई फाइनली हो चुकी है और आप लगातार कमेंट कर रहे हैं कि आखिरकार एडमिशन की प्रक्रिया हमारी कब स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले देख सकते हैं आगे चीजें कही जा रही हैं। जैसा कि स्पष्ट तौर पर आपसे कहा जा रहा है कि 2024 का सत्र होगा शून्य, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं, नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका, ठीक है। बाकी 2030 के बाद डीएलएड खत्म, कम फीस में एडमिशन सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं के बाद होने की, है ना। आगे यहाँ देख सकते हैं बीएड करने के लिए, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा 5 अगस्त से संभवतः बीएड की काउंसलिंग भी स्टार्ट है, ठीक है। तो अगर आपको बीएड भी करना है कम फीस में तो बिल्कुल आप संपर्क जरूर करिएगा, सबसे कम फीसों में एडमिशन में करवाऊंगा। बाकी एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग आपके बीच में इस प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, प्लेटफॉर्म का मतलब एडमिशन करवा रहे हैं, है ना। उनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से आपका एडमिशन हो जाए, बाद में चलकर हम, होता नहीं कि जब कथा होता है सत्यनारायण बाबा का, तो पंडित जी कहते हैं, कोई बुरा मत मानिएगा, जो चीजें सही है वो सही है, ठीक है। तो कहते हैं कि भैया 10 रुपया यहाँ रखिए, फिर थोड़ी देर बाद रहेंगे 10 रुपया यहाँ रखिए, ये सब सारी चीजें प्रक्रियाएं होती हैं, वो आए दिन आप देखते होंगे, है ना। बाकी जिसको भाई बुरा लग रहा होगा मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, ठीक है। तो जब एडमिशन की प्रक्रिया आपकी फाइनल हो जाती है तो यही प्रोसेस कॉलेज वालों का चलता है कि आप चलिए यहाँ 500 रुपया यहाँ रखिए, 2000 यहाँ रखिए, कोई कहता है प्रैक्टिकल का दीजिए, कोई कहता है कौशन मनी की दीजिए। आप ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिए, है ना, ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिएगा। मेरे पास आए दिन ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। अभी डीएलएड के बारे में ही तमाम चीजें मुझे मिली हुई थी जब इनके परीक्षा फॉर्म भराए जा रहे थे, ठीक है। तो मैं तो यार कहता हूं कि आप काहे उनके चक्करों पड़ रहे हैं, पहले आप उनके बैकग्राउंड को समझिए, है ना, तो आप उनके एडमिशन के बारे में जाएं। बाकी होता नहीं कि जैसे हम कहें कि हम आपका एडमिशन इतने में करवा देंगे, वही आपको इंसान मिलेगा कि नहीं वो तो इतने में करो, चलिए हम इतने में करवा देते हैं, है ना। तो आप क्या करते हैं, आप 2000 4000 5000 के चक्कर में चले जाते हैं उनके पास, लेकिन यही कंडीशंस बाद में आपको देखने को मिलती, तब जाके आपके दिमाग में आता कि काश अगर हम वहां गए होते, ठीक है। उस वक्त ये काश उस काम नहीं आएगा, जो होना था वो तो हो गया है ना। तो
तो इसलिए अगर आपको करना होगा तो आप मुझे बताइएगा, बाकी अदरवाइज कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो उनसे ही हम बताएंगे। आप अपने हिसाब से अपने आप में स्वतंत्र हैं, आप एडमिशन कहीं भी ले सकते हैं, मुझे उससे कहीं किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है, ठीक है। हर कोई अपने आप में बिल्कुल फ्री है। बाकी ध्यान दीजिएगा, जहां तक 2024 का डीएलएड के सत्र शून्य होने का सवाल है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सारी चीजें डिस्कस किया था कि एक भी परसेंट चांसेस नहीं है कि आपका जो सत्र है वो शून्य होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार पहले से ही पता है आपको कि बीएड प्राथमिक से बाहर हो चुका है ना। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ बीटीसी का क्रेज है इस समय। आपने देखा है कि बीएड वालों के लिए, ठीक है, बीएड के जितनी सीटें हैं उतनी सीटों के सापेक्ष आवेदन भी नहीं आए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके बार एडमिशन सत्र जो शून्य होगा, ठीक है, ये सरासर गलत है। सिर्फ आपको बरगलाया जा रहा है। क्यों बरगलाया जा रहा है? क्योंकि आप चले आइए बीएड करिए। हालांकि जो बीएड में जो होना था वो तो हो ही गया है, जिन्होंने आवेदन किया था, परीक्षा दिया था, एडमिशन सिर्फ उन्हीं का होगा, ठीक है। बाकी होता नहीं कि लोग चलिए हम बीएड में भी फॉर्म अप्लाई कर देंगे, डीएलएड में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब यही चीजें आपको कॉलेज वाले भी कहेंगे कि यार आपकी बार तो इनका सत्र शून्य होगा, चले आप बीएड कर लीजिए, आप एक साल बर्बाद काहे को करेंगे। तब आपके दिमाग में खटकेगा कि यार नहीं नहीं सर सही कह रहे हैं कि सॉरी पता लगा इसका भी सत्र शून्य हो जाए और बीएड भी ना कर पाए, एक साल हमारा गैप चला जाएगा। तो इसके चक्कर में आप मत रहिएगा कतई, ठीक है। एक भी परसेंट चांस नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट सूचना हम आपको देने का प्रयास कर रहा हूं अभी कल परसों की डेट में, ठीक है। जिस दिन धरना चल रहा था नई शिक्षक भर्ती के लिए, उस दिन हम लोग पेन पी गए थे, वहां से ये सूचना है सत्र शून्य उन्हें नहीं होगा कतई, आप मानिएगा मत एक परसेंट भी चांस, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नोटिफिकेशन कब आएगा? मैंने कहा है आपसे अगस्त के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज 31 तारीख हो चुकी है, ठीक है, अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये दावा है बिल्कुल। पिछली बार यही हुआ था कि बीएड का एडमिशन चल रहा था, इधर डीएलएड का भी चल रहा था, हालांकि डीएलएड अब पीछे है। पीछे क्यों है मैंने आपको बता ही दिया यार, रिजल्ट वगैरह की समस्याएं होती हैं, जब रिजल्ट नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि समस्याएं देखने को मिलती ही है। क्यों मिलती है? क्योंकि इनके पास आवेदन में संशोधन का मौका नहीं देते हैं ये, इस वजह से इन्होंने ये विचार बनाया कि नहीं चलिए हम थोड़ा सा विलंब ही करेंगे ताकि बच्चों का रिजल्ट अधिकतर आ जाए, है ना। तो बस यही बात है और कोई बात नहीं है। आगे यहाँ दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को जहां तक सवाल है, जितने भी कैंडिडेट्स दूसरे राज्य के हैं, आप बिहार के हैं, राजस्थान के, कहीं से बिलोंग करते हैं, आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, खासकर डीएलएड के लिए। क्योंकि यार मैं देखता हूं पिछली बार, जबकि मेरे यहाँ ये नियम नहीं था कि पिछली बार हम दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का एडमिशन ले लें, है ना, लोग करते क्या है, मैं सही सूचनाएं आपको दे रहा हूं, लोग करते क्या है कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बिहार से आप हैं उसकी बात अलग है, लेकिन ये वो आपका यूपी का सब कुछ बनवा देते हैं फ्रॉड तरीके से और एडमिशन आपका करवा देते हैं, और उनको जो कमीशन मिलना होता है 4-6-10 हज़ार रुपए के लिए, इतना यार गलत कर देते हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते हम तो, ठीक है। तो यही चीजें करते हैं। अब सवाल है कि जिनका हो गया उनका क्या होगा? अरे आपका हो गया अगर तो भाई उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, आपके साथ भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जब भर्ती आएगी तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने अवैध तरीके से डीएलएड किया है, ठीक है। आप जिस भी संस्था से डीएलएड करेंगे, जिस भी बोर्ड से, मैं मानता हूं कि आपका पीएनपी इलाहाबाद ये सब कुछ करवाता है, ठीक है, तो जब आप जब आपका टीचर आप भर्ती होने लगेंगे तो उस वक्त सब कुछ यार वेरिफिकेशन होता है, कहां से आपने क्या कुछ कैसे किया है, ठीक है, तो वहां से आपको पूरी तरह से ये अवैध घोषित कर देंगे कि मेरे यहाँ ये नियम नहीं था इस सत्र में, आपने किस आधार पर कैसे डीएलएड किया है, ठीक है, तो आपको वहीं से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप उन्हीं के चक्कर में पड़े, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे कहने पर आइए, आप मुझसे ही करवाइए, ये चीजें मैंने कभी नहीं कहा है, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप उनके संपर्क में जाइए जो आपको बेहतर कराने का प्रयास करें, बेहतर करने का प्रयास करें, है ना। बाकी यार मार्केट में तो फ्रॉड लोग बहुत, मार्केट की जो छवि है वो वही लोग धूमिल करते हैं, भाई आप कैसे करा सकते हैं, इसका मतलब आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आपने कभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आपको जो उन्होंने बताया बड़ी मीठी मीठी बातें बोलते हैं, है ना, चलिए हम आपको करवा देंगे, इसे हो जाएगा, आपको ये करवा देंगे इतने फीस में, आप भी उनकी मीठी बातों में फंस जाते हैं, तो
गन्ना जितना ज्यादा मीठा होता उतना उससे मड़ोर मड़ोर कर जो है। अब बहरहाल बात छोड़िए, जो थोड़ा सा कंसल्टेंट लोग देखेंगे वो मुझे गालियां देंगे, मुझे पता है, लेकिन यार मेरा जो उद्देश्य है, मैं जिस उद्देश्य से आपके बीच में आता हूं ना, मेरा उद्देश्य बिल्कुल साफ होता है, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की आप लेकिन नहीं निकाल सकते। मैंने जितने लोगों का एडमिशन रियलिटी में करवाया है ना, आप उनसे पूछ लीजिए, कभी उनसे 1 रुपए की अगर अवैध वसूली हुई हो तो बताइएगा फिर, ठीक है, उसके जिम्मेदार हम हैं, मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है। बहरहाल चलिए कोई बात नहीं, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों से इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप अभी किसी को पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये नियम मेरे यहां आपकी बार है कि हो सकता है लेकिन अभी होगा नहीं, अभी होगा कि नहीं होगा ये भी कोई नहीं बता सकता। चर्चा परिचर्चा चल रही है, 99% 99% 99.99% उम्मीद है कि अदर स्टेट का एडमिशन होगा, लेकिन सिर्फ 0.1 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इसलिए कतई आप उनके चक्कर में मत पड़िएगा, अभी कोई कह रहा है कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, आप पैसा मत दीजिएगा, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपके पास है तो दे लीजिएगा, मुझे उससे आपत्ति नहीं, जितना नॉलेज मुझे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। चलिए एक चीज और, 2030 के बाद डीएलएड के अस्तित्व पर सवाल, ठीक है। देखिए ये भी बिल्कुल पूरी तरह से भ्रामक है, ये जब 2021 एडमिशन चल रहा था तब भी ये चीजें आई हुई थी, 2022 चला तब भी ये चीजें, 2023 चला संभवतः बीच में कोई सत्र शून्य था, है ना, जो था वो छोड़िए, 2023 वाला एडमिशन चला तो उस समय भी ये चीजें टपक के आई, अब 2024 की बारी आ रही तो भी ये चीजें आ रही, यार ये चीजें गलत हैं। मैंने आपको बताया तो किसी भी डिग्री की वैल्यू समाप्त नहीं होती है, खत्म नहीं होती है ना। डिग्री का नाम भले परिवर्तन कर दिया जाए, 2017 के पहले इसी का नाम बीटीसी था और 2017 में इसका नाम बदल करके डीएलएड किया गया, तो ये हो सकता है कि 2030 के बाद इसका नाम परिवर्तन हो जाए, है ना, लेकिन वैल्यू कभी समाप्त नहीं होगी। बताओ हमें 2017 के पहले जो लोग बीटीसी किए थे, का उनको कोई समस्या है, अब अगर भर्ती आएगी उसमें नहीं एलिजिबल होंगे, होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम परिवर्तन कर दिया जाता है, बस यही फर्क है, बाकी यार आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, ठीक है। बीएड प्राथमिक से बाहर है आपको पता ही है, बीएड में सीटों के सापेक्ष आवेदन भी नहीं आए हैं, डीएलएड का क्रेज बढ़ा हुआ है ये 100% सत्य है, लोग इंतजार कर रहे हैं, एडमिशन होगा तो होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कम फीस में एडमिशन लेना होगा तो संपर्क जरूर करिएगा, सबसे कम फीसों में, अभी अलग का मामला है कि कोई 20,000 में कह रहा है, सबसे एकदम लेटेस्ट है आ जाइए, ठीक है, लेकिन 20,000 में मेरे यहाँ होगा नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ भरमार होती है करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए जो फीसें होंगी बिल्कुल लीगल होंगी, 1 रुपया कम नहीं 1 रुपया ज्यादा, आप लिखित ले लीजिए मुझसे, मैं दे देता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। बाकी जो और भी चीजें होंगी, ये पब्लिक प्लेस है ना, हर चीज यहाँ से नहीं बताया जा सकता, मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, एक कोड वर्ड में बताऊंगा क्या होगा कैसे होगा सब कुछ आपको, ठीक है, परेशान नहीं होना। बाकी यहाँ 12वीं के बाद जहां तक एडमिशन का सवाल है, देखिए मामले चल रहे हैं इस पर, सही, ठीक है, क्यों चल रहे हैं, क्योंकि अदर स्टेट के जितने भी अदर स्टेट हैं सब लोग डीएलएड इंटरमीडिएट के आधार पर करवाते हैं, मेरे यहाँ ग्रेजुएशन के आधार पर होता है। लोगों ने आपत्ति डाला कि अगर हर स्टेट में एडमिशन 12वीं के बाद हो सकता है तो यूपी का कहीं से अलग का राज्य है, वहां कहें ग्रेजुएशन ले रहे हैं, ठीक है, तो ये बातें चल रही हैं, लेकिन अब की बार संभावनाएं नहीं है, अगली बार हो सकता है, फिलहाल अगर होता भी है तो भी मैं बताऊंगा, नहीं होता है वैसे 99% उम्मीद है कि नहीं होगा, अगर हो जाता है तो ठीक है, लोग ये जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है ये लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर ये संघर्ष में कामयाब होते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, मेरे यहाँ डीएलएड जो है वो ग्रेजुएशन के आधार पर ही होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाकी अगर कोई भी डाउट्स आपको होता है तो बिल्कुल आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।